मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज और कल प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी अंदेशा जताया गया है। कल पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील में अतिवृष्टि से मलबे में दबी महिला की तलाश SDRF द्वारा अभी भी की जा रही है। मौसम के दृष्टिगत जगह जगह पर अतिवृष्टि की घटनाएं सामने आ रही है, जिस क्रम में काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो पिथौरागढ़ में घटी थी उसमें लगातार SDRF की टीमों के द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। हमारी डॉग स्क्वाड की टीमें भी वहां पर लगातार खोज और बचाव अभियान में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य एजेंसीज है, NDRF है, जिला पुलिस है, होमगार्ड्स है, उनका भी हमें लगातार समन्वय सहित हमारे ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। समय समय पर जो अतिवृष्टि के कारण मानसून के सीजन के दृष्टिगत जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हैं और संपूर्ण राज्य के विभिन्न जनपदों में पेड़ों के गिरने की घटनाएं, तो उन सभी छोटी बड़ी घटनाओं में तत्काल SDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंच के उनके द्वारा अपनी तरफ से जो बेहतर राहत और बचाव कार्य का रेस्क्यू का संपादन किया गया। बंगापानी तहसील से संपर्क कटने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यहां ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें बंद पड़ी हैं। इसकी एक बानगी चौना गांव में देखने को मिली, जहां एक प्रसूता को डिलीवरी के लिए ग्रामीणों ने डोली के माध्यम से 8 किलोमीटर का सफर तय किया। मदकोट के स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने से सरयू नदी उफना गई है। वहीं भारी बारिश से 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को अन्य स्थानों में शिफ्ट कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से जिले में 1 राज्य मोटर मार्ग और 21 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कल शाम कपकोट के बालीघाट धर्मघर सड़क पर उडियार नामक स्थान पर कलमट ध्वस्त हो गया, जिससे वहां से गुजर रही एक कार क्षतिग्रस्त होकर कलमट में समा गई। गनीमत यह रहा कि कार में सवार 4 लोग कलमट धंसने का अंदेशा होने पर कार से सुरक्षित बाहर आ गए थे। सरयू नदी किनारे बागनाथ मंदिर के पास के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। सरयू नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। इधर प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट करने के साथ ही अवरुद्ध मोटर मार्गों को खोलने में लगा हुआ है। बारिश से हमारी टोटल 22 सड़कें बंद है, इसमें एक हमारा SH है, बाकी 21 हमारे ग्रामीण मोटर मार्ग हैं और इनको खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और एक हमारा बालीघाट रीमा मोटर मार्ग है, जहाँ पे कॉजवे टूटने से कल एक गाड़ी भी वहाँ पे फंस गई है, तो उसको भी JCB से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 2 मकान हमारे और क्षतिग्रस्त हुए हैं। मकानों जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको प्रभावित परिवार को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अभी हमारे पास IMD से भी अलर्ट आया, जिसमें आज भी भारी बारिश का अलर्ट बता रखा है बागेश्वर जनपद के लिए। तो हमारी सभी तहसील थानों को, संबंधित विभागों को, सभी को अलर्ट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि बचाव एवं राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन और जन सहयोग के साथ साथ उत्तराखंड SDRF महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।